एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। सो आज के इस वीडियो में मैं फिर से एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ, जो कि आ रही है माउंट ब्लू की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो माउंट ब्लू कंपनी है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए हायर कर रही है फ्रेशर्स को। आपको मैं ये क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, क्या लोकेशन होने वाला है, और सैलरी क्या होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, और ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो आपको बस क्या करना है, इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो बस एक लाइक बटन हिट कर देना है, और वीडियो को डू शेयर, डू कमेंट, डू एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहती हूँ हमेशा। सो सबसे पहले अपडेट लेने के लिए, सबसे पहले अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो अपॉर्चुनिटी है वो माउंट ब्लू की तरफ से आ रही है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजिशन के लिए हायर कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ये कंपनी बिल्कुल भी आपका क्वालिफिकेशन में आपकी डिग्री का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रख रही है। सब मतलब इसका मतलब ये कि अगर आप BE.MTECH हो, MA.MTECH हो, BCOM हो, BSc हो, कुछ भी हो, आपने डिग्री में XYZ कुछ भी किया हो, आप एलिजिबल हो। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि आप फैमिलियर होने चाहिए विद एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल JavaScript, Java, PHP और Python। ठीक है, इनमें से अगर आप फैमिलियर हो तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद में और भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि ये एकदम मेजर क्राइटेरिया है, क्योंकि अगर आपको ये आता है तो आपको ये सारी चीज़ें भी पता ही होगी, जैसे कि गुड एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड विद एबिलिटी टू वर्क इन फास्ट पेस्ड एनवायरमेंट, एक्सेलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल, एगनेस टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज, राइट। सो बस ये क्वालिफिकेशन है इनके साइड से, बाकी इनका कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है कि आपने डिग्री में यही किया रहना चाहिए तो ही आप एलिजिबल हो गए, राइट। सो ये एक बहुत अच्छी बात है, आप कोई भी डिग्री हो आप एलिजिबल हो। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हो कि आपको टीम में काम करना होगा, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट डेवलप करना होगा यूजिंग JavaScript, Python, Java, HTML, CSS, और एंश्योर क्लोज टू 100% टाइमली एंड डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट्स, रिटन डॉक्यूमेंटेशन फॉर द सॉफ्टवेयर एंड API सपोर्ट सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड हॉट फिक्सेस। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप गो थ्रू कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या होने वाला है कि यहाँ पे एक तो बहुत अच्छा आपको टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा खासा आपको हो सकता है, और उसके बाद में आपको और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लाइक टू इंटरेक्ट विद एंड लर्न फ्रॉम द CTOs एंड डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ लीडिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन इंडिया, राइट। अब यहाँ पे जो लोकेशन क्या होने वाला है, तो यहाँ पे लोकेशन बैंगलोर होने वाला है। तो यस, इफ़ यू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, देन यू हैव टू गो और यू हैव टू गेट सेटल इन बैंगलोर। ठीक है, तो ये लोकेशन होने वाला है। और सैलरी अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी सैलरी दे रही है 4 LPA का पर एनम। अब यहाँ पे आप बोलो, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली, बट अप्लाई कहाँ से करना है। तो यहाँ पे आप लास्ट में भी एक बटन देख सकते हो, और स्टार्टिंग में भी अप्लाई विद गूगल का बटन जो है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको अपना गूगल अकाउंट चूज कर लेना है। फिर गूगल अकाउंट चूज़ करने के बाद में सिंपली आपका यहाँ पे फुल नेम लिख के आ जाएगा, और यहाँ पे आपको बस सिर्फ और सिर्फ अपना नंबर टाइप करना है, कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना है, कुछ फिलअप नहीं करना है, सिंपली आपको आपका यहाँ पे नंबर टाइप कर देना है, और फिर आपको वेट करना है। आपको थोड़े दिन बाद आपको टेस्ट मेल आ जाएगा, और यहाँ पे आपको कोई भी रेज्यूमे भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, वी डोंट नीड टू योर रेज्यूमे एज वेल एज वी एस एस एप्लीकेंट थ्रू कोडिंग टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ प्रायर बैकग्राउंड। मतलब पहले के बैकग्राउंड नहीं देखते कि आप क्या क्या आपने क्या नहीं, आपका वो प्रेजेंट का आपका प्रेजेंट का जो कोडिंग का टेस्ट लेके वो आपका आपको एलिजिबल हो या नहीं वो देख लेंगे। तो बस आपको यहाँ पर सिंपली अप्लाई बटन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद में कुछ चीज़ें रह गई थी, मैंने आपको बताया नहीं यहाँ पे पीछे। तो यहाँ पे जो है, पहले तो आपका अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको 13 वीक्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, और उसके बाद में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ठीक है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है,
तो एक बार जब आप यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस अप्लाई आपको कर लेना है। जब आपका अप्लाई हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके का टेस्ट मेल आएगा, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टर टेस्ट करके आएगा। उसके बाद में जो आपका प्रोसेस होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो कुछ इस तरीके से होने वाला है कि जो असेसमेंट टेस्ट होगा आपका, वो असेसमेंट आपको हैकर रैंक पे देना होगा, वो टेस्ट आपको हैकर रैंक पे देना होगा। और उस टाइम पे आपका रिकॉर्डिंग वगैरह वो सब चालू होगा, स्क्रीन का रिकॉर्डिंग ऐसा। और उसके बाद में कुछ किस तरीके से होगा, हैकर रैंक का होने के बाद में आपको पहला राउंड आप क्लियर कर लेते तो आपको सेकंड राउंड देने का चांस मिलेगा। उसके बाद में आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, एचआर राउंड होगा, ये सारी चीज़ें होगा और आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि किस तरीके से बिफोर द टेस्ट यू हैव टू रीड ऑल दिस, यू कैन से ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस, सो आपको ज़्यादा अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे डाल रखी है, और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे मिलती रहेगी, तो आप चेक कर सकते हो। और काफ़ी लिंक्स अभी भी एक्टिव है, सो यू जस्ट हैव टू चेक। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल, सो जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर अभी तक यहाँ पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होगी। इफ़ हेल्पफुल है तो फिर देन जस्ट कमेंट बिलो दैट इट इज़ हेल्पफुल प्लीज़, बिकॉज इट हेल्प्स मी अलॉट, इट मोटिवेट्स मी अलॉट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।